देखो बच्चों, हम 10.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ वायर, हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है और उसकी जो लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर है। व्हाट विल द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द वायर इज यूज टू फॉर्म। अब ये बोल रहा है कि इस जो वायर से, ये जो 48 सेंटीमीटर की एक वायर है, उससे अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर की साइड क्या होगी। उसी वायर से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होगी। और अगर हम रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं तो उस रेगुलर हेक्सागोन की साइड क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पीस से स्क्वायर बनाते हैं। तो देखो, लेंथ है हमारे पास 48 सेंटीमीटर और उससे हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर क्या होता है, 4 इक्वल साइड्स, ठीक है ना। इसमें साइड्स क्या होती है, चारों साइड जो है इक्वल होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो गिवन है, देखो ध्यान से, जब हमने 48 सेंटीमीटर के वायर से ये क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है, तो इस स्क्वायर के यहाँ से लेके और ये जो पूरी लेंथ है इस पॉइंट तक, वो टोटल कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। यानी इसी वायर से ही तो हमने बनाया ना ये स्क्वायर, तो इसकी लेंथ इस वायर की और इस स्क्वायर की जो चारों साइड है, इसकी जो लेंथ होगी वो इस 48 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो हमने क्या लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी चारों साइड्स का जो टोटल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर को क्या लिख दिया, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, साइड यहीं छोड़ दिया हमने और ये क्या है हमारे पास, 4 जो था वो हमने क्या लिख दिया, इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में था, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है इस साइड ले आते हैं डिवाइड में, 48 को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस स्क्वायर की साइड फाइंड कर ली। इस ये कितने का होगा, 12 का, ये भी 12 का, ये भी 12 का और ये भी 12 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट बोला इसने, इसी वायर से अगर हम क्या बना देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं तो उसकी साइड क्या होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जबकि तीन साइड्स है और तीनों ही क्या है, इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी कितना हो जाएगा, इसी वायर से हमने इसको भी बनाया है, तो इस तीनों साइड का जो टोटल होगा वो भी 48 सेंटीमीटर होगा। तो हमने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर। अब 3 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है, तीन साइड इक्वल है तो पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 48। अब क्या कर देंगे हम, ये जो 3 है ये 48 हो गया। अब जो है ये साइड हमें फाइंड करनी है, तो साइड को हम यहीं रखेंगे 48 और ये जो 3 है ये तो डिवाइड में ले लेंगे, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स आ गई 16। नेक्स्ट उसने बोला है कि अगर हम इससे रेगुलर हेक्सागोन बना दें, तो रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे, तो हमने ये बनाया, तो इसकी साइज़ कितनी होती है, 6 साइड्स होती है हेक्सागोन में, और रेगुलर अगर है तो इट मीन्स 6 के 6 साइड इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन वो क्या होता है, 6 इंटू साइड, और पेरीमीटर गिवन कितना है, 48। इसके चारों 6 साइड का जो टोटल है वो हमारे पास 48 गिवन है और साइड्स कितनी है, 6, तो 6 इंटू साइड पेरीमीटर हो गया इसका, 6 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 6 इधर डिवाइड में और साइड हमारे पास क्या आ गया, 6, 8 जा 48, तो साइड हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन का 8 सेंटीमीटर।